दोस्तों महाराष्ट्रीयन स्पेशल झुमका पाकर बनने जा रहा है। सबसे पहले तेल डाल देंगे, उसके बाद राई, हींग, उसके बाद कड़ी पत्ता और हरी मिर्च और प्याज डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, हल्दी, और उसके बाद फिर टमाटर डाल के, बेसन डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे। और पकने के बाद इसको बैंगन के भरते के साथ, झुमका के साथ, प्याज अचार और पिटला के साथ इसको ज़बरदस्त सर्व करेंगे।